हिलसा अनुमंडल के करापसरा प्रखंड कार्यालय में गोनूबिगहा पंचायत के उपमुखिया एवं उप सरपंच का चुनाव प्रशासन की चौक चौरस व्यवस्था के बीच में बुधवार को संपन्न हो गया। आपको बता दें कि करापसरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार ने बताया कि करापसराय प्रखंड कार्यालय में उप मुखिया के लिए बबिता देवी जिसे 9 मत प्राप्त हुए हैं, पूजा देवी जिसे 3 मत प्राप्त हुए हैं और 2 वोट को रद्द कर दिया गया है। इस अनुसार बुधवार को गोनूबिगहा पंचायत से उप मुखिया के लिए बबिता देवी निर्वाचित की गई है। वहीं उप सरपंच के लिए पिंकी कुमारी 8 मत लाई है, रामपति देवी 1 मत लाई है, सरोज देवी 3 मत लाई है और 2 वोट कैंसिल किया गया है। इस अनुसार सर्वाधिक मत लाने वाले पिंकी कुमारी को उप सरपंच के लिए निर्वाचित की गई है। उसके बाद गोनूबिगहा पंचायत के नवचयनित मुखिया बेबी देवी समेत सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य सभी लोगों का शपथ गोपनीयता की दिलाई गई है। साथ में सरकार के द्वारा नशा ना करने एवं नशा ना करने देने का भी शपथ दिलाया गया। बता दें कि बुधवार को हिलसा अनुमंडल के करापसराय प्रखंड कार्यालय में गोनूबिगहा के सभी नवचयनित जनप्रतिनिधियों का शपथ भी दिलाया गया एवं कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में विकास करेंगे और लोगों को मदद करने का काम करेंगे ताकि करापसराय प्रखंड क्षेत्र के गोनूबिगहा पंचायत बेहतर हो सके।